नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी के बारे में बताऊंगी, जो कि इस साल 24 जनवरी को आ रही है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए माना गया है। कहते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्म राज युधिष्ठिर को बताया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत के योग से संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत और उसकी पूजा विधि इस प्रकार है। पुत्रदा एकादशी की सुबह स्नान आदि करने के बाद किसी साफ स्थान पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद शंख में जल लेकर प्रतिमा का अभिषेक करें। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं, चावल फूल गुलाल इत्र आदि से पूजा करें। इसके बाद दीपक जलाएं, पीले वस्त्र धारण करें और मौसमी फलों का आंवला लौंग नींबू सुपारी से भी इनका अभिषेक किया जाता है। इसके बाद गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाएं। दिन भर कुछ ना खाएं, संभव हो सके तो स्वयं भोजन एक समय करें। रात को मूर्ति के पास ही जागरण करें, भगवान के भजन गाएं। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, इसके बाद ही उपवास खोलें। इस तरह व्रत और पूजा करने से योग संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी की कथा। पहले किसी समय में भद्रावती पुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में रहते थे। इसी शोक में एक दिन राजा सुकेतुमान वन में चले गए। जब राजा को प्यास लगी तो वह एक सरोवर के निकट पहुंचे। वहां बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। राजा ने उन सभी मुनियों को वंदना की। प्रसन्न होकर मुनियों ने राजा से वरदान मांगने को कहा। मुनि बोले कि पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी है। उस दिन व्रत रखने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है, तुम भी वही व्रत करो। ऋषियों के कहने से राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। कुछ ही दिनों बाद रानी चंपा ने गर्भ धारण किया और उचित समय आने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया और न्यायपूर्वक शासन किया। श्री युधिष्ठिर जी कृष्ण जी से बताए हुए इस व्रत को कहते हैं कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस व्रत को करने से आपको मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है और हजार सालों की तपस्या करने के बाद भी इसका फल जब नहीं मिलता तो सिर्फ एकमात्र इस पुत्रदा एकादशी को करने से ही मिल जाता है। वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करते हैं। कहते हैं इस महात्म्य को पढ़ने से और सुनने से विशेष फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी की यह कथा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।